देखेंगे, FWMC में जो है किसी कम्युनिटी की काफ़ी ज़्यादा तादाद है, और हर दूसरे माह के बाद जो है वो उन्हें सैलरी के लिए जो है वो एहतजाज करना पड़ता है, तगोदो करनी पड़ती है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो अपनी शाह खर्चियाँ जो है उसमें लगी हुई है, और गरीब मुलाजमीन जो सुबह 5 बजे से लेके 2 बजे तक जो है ड्यूटी देते हैं सड़कों पर, उनके लिए इनको कोई फिक्र नहीं है। सैलरी के लिए जो है पूरा माह जो है परेशानी बनी रहती है कि शायद हमें सैलरी मिलनी है कि नहीं मिलनी। अभी हमने यूनियन की तरफ से जो है FWMC की इंतज़ामिया को ये वार्निंग दी है कि अगर 10 अक्टूबर तक हमें इन्होंने सैलरी ना दी तो हम जो है दमादम मस्तकलम प्लंदर करेंगे और ज़िला कौंसिल चौक में हम जो है एहतजाजी धरना देंगे। जी लाला जी, अगर किसी गरीब आदमी का चूल्हा ना चले, उनको सैलरी ना मिले, तो उनके घर के में माशी मिसाइल जो बढ़ते जा रहे हैं, आप उस पर मजाक करें। सैनिटरी वर्कर जो है वे ये पाकिस्तान का वाहि तबका है जो गरीब नहीं करता है, और हो सकता है बाकी महकमों में तो रिश्वत से मुहाना को अखराजा पूरे हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने सफाई करने के बाद और पूरा माह मजदूरी करने के बाद जो मेहनत मजदूरी की उनको जो तनख्वाह मिलती है उसमें गुजारा किया। अभी सबूत आ गया है कि अभी देखे ना बिल के मामले हैं, और कई लोगों की दुकानों से उन्होंने उठा दिया था, और हम अक गए हैं पंजाब हुकूमत से कह कह के ये सैलरी के मामला को FWMC की सैलरी के मामला शायद पता नहीं क्या मसला है, या तो कहना कि पूरे पंजाब की तमाम तर जो मुलाजमी है उनको सैलरी नहीं मिलती, तो हम भी कह दें कि चले जी सैनिटरी वर्कर नहीं मिली। मैं इल्तमास करता हूँ पंजाब हुकूमत से कि वो उसके नौकर लें, अगर 10 तारीख तक सैलरीज ना मिली तो हम हड़ताल पे जाएंगे। ये मैं FWMC के जो है अपना आला अफसरान DC साहब और कमिश्नर साहब, मैं उनको भी कहता हूँ कि 10 तारीख तक सैलरी और इसको रेगुलर किया जाए। इस्लाम में है कि पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दी जाए, लेकिन ये देखिए एक ऐसी बात है कि आला अफसरान जो हैं उनके लल्ले तल्ले जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, और एक सैनिटरी वर्कर जिससे मशीनों जैसा काम पूरा माल लिया जाता है उनकी सैलरी अभी तक नहीं, और ये हर 3 माह के बाद ऐसे होता है, इसको सैलरी दे दें वरना हड़ताल पे जाए।